हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक और नए अपडेट के साथ फिर से आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट वंदे भारत मिशन फेज 6 की जो फ्लाइट्स का डिपार्चर है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप को आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। सो, ये क्या है वंदे भारत के अंडर जो फेज 6 के अंडर फ्लाइट्स आ रही हैं, उनके बारे में वीडियो रहेगी आज की, इफेक्टिव फ्रॉम 1st of September टू 23rd of October। सो मींस पूरा सितंबर और अक्टूबर 23। सो इस अप्रॉक्सीमेटली 53 डेज के लिए ये फ्लाइट्स चलेंगी। उन्होंने नोट दिया है स्पेशली, प्लीज नोट दैट ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट्स मेंशन्ड इन द स्केड्यूल बिलो आर मेंट फॉर इंटरनेशनल कनेक्टिंग पैसेंजर्स डिपार्टिंग एंड अराइविंग ऑन द एयर इंडिया इवैक्यूएशन फ्लाइट्स। दीज फ्लाइट्स आर नॉट मेंट फॉर एनी डोमेस्टिक पैसेंजर्स। सो कोई भी इंडिया में अगर है पैसेंजर, वो इस फ्लाइट में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम लंडन टू दिल्ली एंड मेरी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट है टू अमृतसर फॉर एग्जाम्पल, सो वो डोमेस्टिक फ्लाइट सिर्फ मुझे ही मिलेगी। कोई इंडिया का पैसेंजर दिल्ली से अमृतसर बाई फ्लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए हैं। दूसरा नोट क्या है, गिवन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक, द स्केड्यूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एट शॉर्ट नोटिस, काइंडली बेयर विद अस एंड प्लीज डू विजिट एयर इंडिया वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ये लास्ट अपडेट किया उन्होंने 19th of August को, एयर इंडिया दिस वन योर इवैक्यूएशन स्केड्यूल फ्लाइट्स एक्स इंडिया ऑल टाइमिंग्स इन स्केड्यूल बिलो आर लोकल टाइमिंग्स। सो देखिए, उन्होंने डेट दी हुई है, फ्लाइट नंबर दिया हुआ है, एंड डेट दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डिपार्टिंग दिया हुआ है, डिपार्चर टाइम दिया है, डिपार्चर एयरपोर्ट दिया हुआ है, सॉरी, एंड अराइविंग एयरपोर्ट दिया हुआ है, अराइविंग टाइम दिया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, विच इज मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो 4 times a week दिल्ली से फ्लाइट जाएगी लंदन के लिए। देन उसके बाद है ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे, सेम डिपार्चर का टाइम चेंज हो गया है, लंदन को फ्लाइट जाएगी। सो इट मींस पूरा वीक लंदन को फ्लाइट जाएगी दिल्ली से, मंडे एंड सैटरडे ऑल्सो देयर आर। सो दे कॉल डिफरेंट टाइमिंग्स गाइस फॉर डिपार्चर। फर्स्ट वन इज दोपहर को 2:15 पे, दूसरी है सुबह को 2:40 पे, और तीसरी है वो भी सुबह को 2:45 पे। सो ऐसा है। उसके बाद मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे मुंबई से फ्लाइट रहेगी लंदन के लिए, अहमदाबाद से फ्लाइट है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मेरे से पूछा था कि अहमदाबाद गुजरात से कब फ्लाइट्स चालू होंगी। सो ये अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़्लाइट है, बेंगलुरु से है लंदन के लिए फ़्लाइट, कोची, अमृतसर से ऑल्सो लंदन के लिए फ़्लाइट्स है, पीपल यू नो बिलोंग्स टू पंजाब उनके लिए, एंड दिल्ली से फ्रैंकफर्ट के लिए है, जर्मनी के लिए फ़्लाइट्स हैं अभी वंदे भारत फेज़ 6 में, और बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट है। सिर्फ आप देख लो इनका डिपार्चर का, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो वेडनेसडे को कोई फ्लाइट नहीं है दिल्ली से, एंड संडे रहेगी फ्लाइट। ये सिर्फ एक मंथ के लिए, बेसिकली 1st of September टू 29th of September, फ्रैंकफर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और बेंगलुरु से सिर्फ संडे जाएगी फ्लाइट, वो भी 6 September से लेके 27 September के बीच। और फिर उसके बाद त्रिवेंद्रम से है माली के लिए, मालदीव्स के लिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट है, फ्रीक्वेंसी दी हुई उन्होंने, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। देन दिल्ली से शिकागो के लिए फ़्लाइट है, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट है, दिल्ली से है वाशिंगटन डीसी के लिए फ़्लाइट्स है, और मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट है, तो न्यूयॉर्क भी फ़्लाइट जाएगी। तो ये उन्होंने सब दिया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद बात करें लंदन से, जब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इंडिया, लंदन से दिल्ली के लिए फ़्लाइट्स हैं, एज यू कैन सी वो भी काफ़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी है। देन दिल्ली से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है, दिल्ली से गोवा है, लंदन से है मुंबई, लंदन से हैदराबाद है, मुंबई से हैदराबाद है, लंदन से
अहमदाबाद है, लंदन से बेंगलुरु है, लंदन से कोची की फ़्लाइट है, लंदन से अमृतसर की फ़्लाइट है, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की फ़्लाइट है, माली से त्रिवेंद्रम की फ़्लाइट है, न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ़्लाइट है, शिकागो से सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी से दिल्ली की फ़्लाइट है, न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए भी फ़्लाइट है। सो ये सारा उन्होंने आप देख सकते हैं कि टाइम मेंशन किया हुआ है, कब से लेके कब तक, पूरी डेट है, फ़्लाइट नंबर है, एवरीथिंग इज़ देयर। ऑल एयर इंडिया की जो ऑल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स रहेंगी फॉर वंदे भारत मिशन के लिए वो डेली रहेंगे, उन्होंने दिया हो, दिल्ली से मुंबई को फ़्लाइट रहेगी, दिल्ली से अहमदाबाद को फ़्लाइट रहेगी। सो दिस इज़ फॉर दिस वन कनेक्शन फ़्लाइट्स, जो अब दिल्ली पे लैंड हो गए हैं, मुंबई लैंड हो गए हैं फॉर किसी इंटरनेशनल कंट्री से आके, अभी आपको डोमेस्टिक चाहिए जो कि आपके घर तक आपको लेके जाए, फॉर एग्जांपल दिल्ली से अमृतसर जाना है, सो ये सब वो फ़्लाइट्स की डिटेल्स हैं। और किसी ने दिल्ली से अहमदाबाद जाना है तो ये सारा, ये देखिए आप, दिल्ली से मुंबई के लिए डेली फ़्लाइट रहेगी, मुंबई से अहमदाबाद के लिए रहेगी, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रहेगी, दिल्ली से चेन्नई के लिए रहेगी, चेन्नई से हैदराबाद के लिए रहेगी, हैदराबाद से दिल्ली के लिए रहेगी, दिल्ली से कोची की फ़्लाइट है, कोची से बेंगलुरु की फ़्लाइट है, बेंगलुरु से दिल्ली की फ़्लाइट है, अमृतसर से दिल्ली की फ़्लाइट है, और दिल्ली से अमृतसर की फ़्लाइट है। सो इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया और ट्रैवलिंग टू इंडिया ऑन वंदे भारत मिशन फ़्लाइट्स कैन ओनली ट्रैवल ऑन दीज फीडर फ़्लाइट्स। सो सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जिनको बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाना है, जब वो किसी दूसरी कंट्री से इंडिया आ रहे हैं, और दे आर लैंडिंग एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड दिल्ली और अहमदाबाद और यू नो बेंगलुरु और हैदराबाद। सो दे कैन यूज़ दीज डोमेस्टिक फ्लाइट्स टू रीच देयर होम डेस्टिनेशन, होम टाउन बेसिकली। सो ये एक अच्छी चीज़ है एक्चुअली वंदे भारत मिशन के अंडर, कि आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली लैंड हो गए तो आपको ये नहीं कि मैं अभी टैक्सी लूँ, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है, अगर आप अभी ले रहे हो तो मैं कैसे जाऊंगा, अगर मैं अभी अहमदाबाद आया हूं, अहमदाबाद से मुझे पंजाब जाना है, हाउ वुड आई गो टू पंजाब। सो अभी ये सब कनेक्शन फ्लाइट्स दी हुई हैं उन्होंने, सो वी कैन यूज दीज कनेक्शन फ्लाइट, बट ये सिर्फ उनके लिए हैं जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं या इंटरनेशनल कंट्री को जा रहे हैं अपने होम टाउन से, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। कोई भी इंडियन पैसेंजर इसमें ट्रैवल नहीं कर सकता, उन्होंने साफ साफ अपनी यू नो वेबसाइट पे भी लिखा है, इसके नीचे भी लास्ट लाइन पे भी लिखा है। सो ये था गाइस आज का अपडेट अबाउट दी